लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यार तू तो कामयाबी का हिमालय है, साल का बॉक्सिंग चैंपियन तू, बेस्ट क्रिकेटर तू, तो फिर क्रॉस कंट्री रेस से क्यों भाग रहा है? इसका गोल्ड मेडल भी तो तेरा ही है। हाँ, हर साल तू अपने गांव में 10 तारीख को पहुंचता था, अब इस साल 15 को पहुंचेगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? सिर्फ 4 दिनों की ही तो बात है। ये 4 दिन किसी के लिए 4 साल की तरह बीतेंगे मेरे दोस्त। इन 4 दिनों का एक एक पल किसी के लिए एक एक युग की तरह बीतेगा, जो मेरी छुट्टियों के साथ मेरे लौट आने की राह में पलकें बिछाए रहती है। ये 4 दिन उससे काटे नहीं कटेंगे। जानू जानू रे, कहे झमके है तोरा झुमका। जानती है ना, फिर क्यों रोक रही है मेरा रास्ता? आज बच जाने दे मुझे उसके रास्ते में। वो आज आ रहा है? वो आज नहीं आ रहा है पूजा, उसका तारा है कि वो 4 दिन बाद आएगा। क्या? हाँ हाँ, केदार चाचा ने मुझे खुद बताया है। ओ अरे पगली, इतने उदास होने की क्या बात है? 4 दिन बीतने को 4 महीने लगते हैं। कोई जरूरी काम आ पड़ा होगा, वरना वो भी रुकने वाला था। अरे तेरे बिना वो भी तो उदास होगा, जल्दी आने के लिए तड़प रहा होगा बेचारा। हाँ हाँ, तड़प ही रहा होगा, और यहाँ आने के बाद और भी तड़पेगा, क्योंकि वो तो आ रहा है 4 दिन बाद, और मैं चली जाऊंगी यहाँ से 2 दिन के बाद। चली जाऊंगी? कहाँ जा रही तो 2 दिन के बाद? अपने ननिहाल, अपनी माँ के साथ। वहाँ रिश्ते में कोई शादी है, और लगे हाथ मेरी माँ मेरी शादी अपने गाँव के किसी लड़के के साथ तय कर देना चाहती है। तो फिर सूरज? वो तो 4 दिन बाद आएगा ना, आने दो। अब देख बसंती, इन 4 दिनों में तो कुछ भी हो सकता है ना, फिर मुझे दोष मत देना। तार आया है। हे अंतर्यामी, तुझसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। मैं जा तो रही हूँ अपनी भतीजे की शादी में, लेकिन अपनी बेटी को जिस मनोकामना से साथ लिए जा रही हूँ उसे भी पूरा कर दे। मेरा मायके वाला लड़का विजय प्रताप मेरी बेटी का रिश्ता मंजूर कर दे, और अगर मेरी बेटी की डोली जल्द से जल्द उठे तो मैं तुझे सोने का छत्र चढ़ा दूं, और मैं 101 भूखे नंगे भिखारियों को भोजन कराऊंगी। बस प्रभु, ये जो मांग रही है ना, इसकी मुराद पूरी कर दे। ऐसी कुछ माया दिखा प्रभु कि इसकी बेटी जिस डिब्बे में बैठे वो डोली बन जाए, और नाक की सीध में उसके ससुराल नहीं जाके रुके। हे प्रभु, लड़के वाले दुल्हन को हाथों हाथ ले जाए, ताकि मेरे बेटे का इसकी बेटी से पिंड छूटे। तुझे जो भी मांगना है अपने कपूत के लिए मांग ले, लेकिन मेरी पूजा में क्यों विघ्न डाल रही है? अरे पिंड तो मेरी बेटी का छूटेगा तेरे घर के भूत से। अब देखना कितने बड़े घराने में ब्याह रचाऊंगे अपनी बेटी का। अरे तू उसे बड़े घराने में डाल या भाड़ में जाओ, मुझे उसे क्या लेना देना। मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि तेरी नागन बेटी का ब्याह हो जाएगा, तो मेरा गबरू बेटा मेरे हाथ तो आएगा। फिर देखना, ऐसी दुल्हन लाऊंगी उसके लिए कि तेरा और सारे गांव का क्या क्या बंद हो जाएगा। मैं भी किस कीचड़ में पत्थर फेंक रही हूँ, अब तेरे जैसे के मुंह कौन लगे। हा? थोड़ी देर यहाँ रुकी तो मेरी भी गाड़ी छूट जाएगी। बेटी का शगुन करके लौट तो आने दो, फिर देखती हूँ तेरे को। हाँ हाँ, देख लेना, जल्दी जा वरना गाड़ी छूट जाएगी तेरी। भगवान करे आज इसकी गाड़ी डबल लेट आए, इन माँ बेटी को लिए बिना गार्ड सीट ही न बजाए। इसकी गाड़ी में डबल इंजन लग जाए, ताकि इन दोनों की डबल टिकट कट जाए। यार चौधरी, चौधराइन पूजा बिटिया को लेके मायके गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूजा बिटिया के हाथ पीले करने के चक्कर में हो? दाल भात का कौर है क्या जो हाथ पीला कर देंगी? मैंने तेरे साथ अंगूठी की अदला बदली इसी शर्त पर तो की है कि चाहे सूरज पूरब से पश्चिम हो जाए, मेरी बेटी की शादी होगी तो तेरे बेटे सूरज के साथ ही। भाई अपनी बीवियां चाहे कितना ही सर टकराएं, अरे जब हम दोनों राजी तो क्या करेगी करेले की भाजी। तुमने कहा और मैंने मान लिया, यही ना कि चौधरी की जुबान है, टस से मस ना होगी, और मैं निश्चिंत होकर हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं। लेकिन कहीं चौधराइन पूजा बिटिया का ब्याह करके यहाँ लौटे तो? अरे कैसे ब्याह कर देंगी, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, ऐसा तीर मारा है कि चौधराइन उल्टे पांव भागी चली आएंगी यहाँ उल्टे पांव। अच्छा कैसे कैसे? ओ बाबूजी, बा आना माँ। अरे हाँ, तुम्हारे बाबूजी को भी आज ही बीमार होना था। अरे अरे तुम तो अच्छे भले हो। हाँ हूँ तो, तुम्हें कुछ तकलीफ हुई मुझे अच्छा भला देखकर? नहीं नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होने लगी, बल्कि तुम्हें अच्छा भला देखकर मेरी तबीयत कुछ खिल ही गई है। मगर तुमने अपनी झूठी बीमारी का तार भेजकर ये कौन सा गुल खिलाया है? तार? ये तुम क्या कह रही हो गुड्डो, मैंने तो हरदेव से मनी ऑर्डर भिजवाया था। अच्छा, मनी ऑर्डर भिजवाया था, तो तुम्हारा मतलब आजकल पोस्ट ऑफिस से निकलता है मनी ऑर्डर और पहुंचता है तार? अरे तुम मुझे क्यों मार रही हो? लगता है उस घनचक्कर हरदेव ने जहाँ तार भेजना था वहाँ मनी ऑर्डर भेज दिया, और जहाँ मनी ऑर्डर भेजना था वहाँ तार भेज दिया। अरे तुम तो तार को रो रही हो, मेरे तो 2000 रुपए गए। रहने दो रहने दो, ये नाटक मैं सब समझती हूँ।
तुमने झूठा तार भेजा था? मैं पूछती हूँ, तुमने झूठा तार भेजा था? भेजा तो था गुड्डो। चुप। गुड्डो। गुड्डो। हाय राम, ये किस जन्म का बदला लिया तुमने मुझसे? इसी जन्म का। अगले जन्म में तुमसे राम बचाए? क्या? मेरा कहने का मतलब ये था कि अपनी भतीजी की शादी के बहाने तुमने मेरी बेटी के हाथ पीले करने चाहे, और वो भी मेरे परमिट के बगैर। तो ये तार भेजकर तुम्हें झटका तो दे रहा ही था। मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें ये बिल्कुल गवारा नहीं है। जाहिर है, क्योंकि तुम्हें ये गवारा नहीं कि हमारी बेटी की शादी वहां हो जहाँ हम चाहते हैं। चल, न तेरी ना मेरी, एक काम करते हैं गुड्डो, गुड्डी की शादी उसी से करवाते हैं जो गुड्डा ये पसंद कर ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, मैं अपना सर पटक पटक कर गई थी तेरी चौखट पे कि मेरी बेटी का रिश्ता पक्का करा दे, मगर तुमने मेरी एक न सुनी, भिजवा दिया झूठा तार। अब फिर वो नासपिता लड़का मेरी नासमझ बेटी के पीछे पड़ गया है, उसने मेरी बेटी की मति मार दी है। तू उसे लूला लमड़ा अपाहिज कुछ भी बना दे, मैं सवा सेर लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाऊंगी। सवा सेर क्या? मैं तुझे सवा सौ सेर लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी अगर तू दूसरों की बर्बादी चाहने वाले कसाईयों की कलाइयों पर बिच्छू दौड़ा दे तो। मेरे बेटे ने तेरी बेटी की मति नहीं मारी, बल्कि तेरी बेटी मेरे बेटे पर जादू करके उसे नचा रही है। गई थी ना बड़ी अकड़ कर कि मेरी बेटी का रिश्ता किसी बड़े खानदान में करूंगी। क्या हुआ, कोई लंगड़ा लुल्ला लल्लू पंजी भी नहीं मिला क्या? मैं तो जानती ही थी कि इसकी कुलच्छिनी को सिंदूर तो क्या कोई घास भी नहीं डालेगा। अरे जा जा, मेरी परी जैसी बेटी को तो एक से एक राजकुमार मिल जाएंगे। तू अपने जटायु की सोच, उसके खूंटे से किसी गाय भैंस को बांध, वरना तेरा वंश तो डूबा। ओफो, ये तो हिल ही नहीं रहा। तुम लोगों को धकेलना ही नहीं आता है, धकेलो ठीक से। इतनी मोटी हो कैसे धकेलेंगी? अरे गोलू, बुरा क्यों मान गई? अरे नहीं बहन, तो मोटी नहीं, झूला भाग गई। पूजा, अरे ओ पूजा, आ गई तू? और ये चुपके चुपके कहाँ भागी जा रही है? चल झूला झूले। अभी नहीं, मैं जल्दी में हूँ। अब कहे की जल्दी? अरे अब तो हल्दी भी लग गई तुझे, अब किससे मिलना है? पहले तो अपने हाथ पीले करना, फिर मेरे देखना। अब छोड़ दो मेरा रास्ता, जाने भी दो ना। अच्छा, ये तो बता कैसा है वो? अच्छा है, सेहत से। तू उसके सामने थोड़ी सी तुबली ही लगेगी। फिर तो उसकी और मेरी जोड़ी खूब जमेगी। मेरा लगन वहाँ करा देना। करा देंगे। ये झुमके उसी ने दिए है ना? जी नहीं, उसकी अम्मा ने। अभी और भी कुछ पूछना है या मैं जाऊं? पूछना तो बहुत कुछ है, पर जाने देते हैं तुझे। बेचारा सूरज झरने पे तेरा इंतजार करते करते सूख गया होगा। सूरज, नाराज हो मुझसे? जी नहीं। पर मैं क्या करती, रास्ते में सहेलियों ने रोक रखा था। आज तो सहेलियों ने रोक लिया, कल क्या ससुराल वालों ने रोक रखा था? ओहो, तो नाराजगी हमारे देर आने से नहीं, ससुराल वालों से ज्यादा है। पर अभी तक तुमने उनके बारे में सुना ही क्या है जिनको मैं देखने गई थी? अरे क्या सुनना, होगा कोई टेढ़ा मेढ़ा। अरे जाजा, तू देखेगा ना तो जल भुन के भुट्टा हो जाएगा। क्या दिखता है वो, ट्रैक्टर चलाता है तो एक्टर लगता है, अंग्रेजी बोलता है तो हिंदी हिल जाती है, और हिंदी बोलता है तो अंग्रेजी हिल जाती है। गोरा चिट्टा मूछो वाला बाका छोरा है मेरा। अरे जाजा, बहुत देखे उसके जैसे। कोई नहीं है उसके जैसा, जब से मैंने उसको देखा है न रात दिन का चैन न रातों की नींद। तो फिर तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए आज मैं भी तुम्हें हकीकत बता ही देता हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हारे लिए रुका हुआ था, पर दरवाजे पर सौ सौ रिश्तों की लाइन लगी हुई है।
जिस किसी के साथ चाहूं मंडप सजा लूं। इतनी गलतफहमी में मत रहना कि इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे साथ फेरे लेने के लिए तैयार हैं। एक मैं ही हूँ जो तुम्हें आज तक बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना वरना लाहौल स्पीति की पहाड़ियों में विजयगढ़ नाम का एक किला है। उस किले का राजा राय बहादुर अमेरिका में रहता है। हमें खबर मिली है कि उनकी गैर मौजूदगी में प्रिंस रोनी और दूसरे मुलाजिम बड़े पैमाने पर गैर कानूनी धंधा करते हैं। उन पर हाथ डालने के लिए कानून को ठोस सबूत चाहिए और वो सबूत हासिल करने का जिम्मा हम तुम्हें सौंपते हैं। That suits me perfectly, sir. मुझे ऐसे मौकों की तलाश हमेशा रहती है। शेर की गुफा में जाकर उसका शिकार करके उसकी खाल उतारने में मुझे बहुत मजा आता है। आई नो दैट। तुम कल ही उसी इलाके में जाओ, किले के आसपास रहने वालों से मेल जोल बढ़ाकर जानकारी हासिल करो, किले में घुसकर सारे सबूत हमारे सामने पेश करो। डन सर। मैं इस किले की ईंट ईंट में छिपे हर राज का पर्दाफाश करके सबूत समेत आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। आई विल वेट फॉर यू। कहीं मैं गलती से किसी बाग बगीचे में तो नहीं आ पहुंचा? हाँ? जी नहीं, आप बाग बगीचे में नहीं, हम ही रास्ते के बीच में चल रहे थे। सॉरी। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। कमाल है। नाइस टू मीट यू, आई एम अमर। आई एम सूरज और ये पूजा। हाय पूजा। आप लोग पास ही में रहते हैं? यही। जी हाँ, वो सामने वही कहीं एक किला भी है ना? हाँ, विजयगढ़ का किला बहुत बड़ा किला है। और मैंने तो सुना है कि बाहर भीतर से बहुत आलीशान है, देखा है क्या? जी नहीं। और तुमने? हाँ, मैंने भी नहीं देखा। एक तरह से वो किला बंद ही रहता है। दरअसल मैं किलों के बारे में एक किताब लिख रहा हूँ, इसलिए सोच रहा था कि अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसने किला देखा हो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इस गाँव में तो कोई भी नहीं है ऐसा। लोग उस किले में जाने से डरते हैं, जरूर वहाँ कोई भूत प्रेत रहता होगा। आसपास के लोग तो कहते हैं कि वहाँ तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, गोलियों की भी आवाजें सुनाई देती हैं। मेरी बात मानिए, आप वहाँ मत जाइए, वहाँ तो खतरा है। खतरा तो मुझे इस तरह खींचता है जैसे लोहे को चुंबक। अब तो मुझे किले में जाना ही पड़ेगा। ओके देन, ऑल द बेस्ट, बाय। अद्भुत अजय, ये गगनचुंबी अट्टालिकाएं, ये सुदृढ़ प्राचीरें, समय की रेत पर पड़े हुए ये अमिट पदचिन्ह, ऐसा विशाल दुर्ग तो मैंने पूरे देश में नहीं देखा। ओए, तू कौन? महोदय, मैं इतिहासकार शास्त्र तीरथ शास्त्री हूं। प्रणाम। अपना नाम छोड़, मेरा नाम सुन। शेर सिंह पेड्रो, पेड्रो साहब, अंदर नहीं जाने दूंगा, नॉट एट ऑल। और कुछ है तो बोल। वार्ता मात्र इतनी है द्वार रक्षक कि मुझे अंदर प्रवेश करने की अनुमति चाहिए। क्योंकि ये भीम का ये सिंह द्वार जैसे पर्वत पठार, ये इतिहास का प्राचीन प्रकाश। ए इतिहास के भगोल, यहाँ इधर खड़ा होके बोल, यहाँ। ये क्या है? ये तो व्रत है महाबली। व्रत कुछ भी है, इसमें खड़ा हो, अब बोल। आप शांति पूर्वक सुने महाबली। मैं इस महान दुर्ग पर एक पुस्तक लिख रहा हूं। आह, क्या चरित्र, विचित्र। एक चित्र, एक क्षण मेरे मित्र, एक क्षण एक मधुर मुस्कान शेर सिंह जी। अब ये चित्र मेरी पुस्तक में छपेगा और सारा विश्व देखेगा। शेर सिंह जी, इस पुस्तक से जो धनराशि मुझे प्राप्त होगी उसका एक अंश अग्रिम राशि के रूप में आप अपने ही बनाए हुए व्रत में ग्रहण करेंगे। बलशाली की जय हो। ओए, 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 ओए।
मेरी राजपूती शान को रिश्वत देना चाहता है? शेर सिंह पेड्रो की ईमानदारी से खेलेगा तो मरेगा। चल निकल यहाँ से परमानेंट। अगर तूने पुस्तक लिखनी है तो लाल किले पर लिख, रानी झांसी के किले पर लिख, टीपू सुल्तान के किले पर लिख। तू इस किले के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इस किले पर इतिहास तो क्या, मैं तुम्हें एक चिट्ठी ना लिखने दूं। चल बाहर। नहीं, चल बाहर, चल परमानेंट आउट। क्या हुआ शेर सिंह जी, कौन है ये? अरे यार, तू कहां मर गया था? इसको करने को इतना टाइम लगता है? बलड़ी फूल, बंद कर गेट। इतना सख्त पैरा, जरूर ताल में कुछ काला है। और कोई रास्ता नहीं, किसी रात को दीवार फांद कर ही अंदर जाना होगा। पूजा, ओ पूजा, आ गई। चाची, हे भगवान, कैसी हो? बस अच्छी हूँ। क्यों, आज चारों मिलकर कहाँ छापा मारने जा रही हो? अब छापा मारने की गुंजाइश ही कहाँ रही चाची? क्यों? आजकल थोक के भाव से शादियाँ हो रही हैं। अच्छा, अब हम जो दो चार छुट्टे बच गए हैं ना, बस नाच गा के दिल बहला लेते हैं। अच्छा, तो ये नाच गाने का ठुमका लगाने जा कह रही हो? अरे चाची, वो रघुवीर सिंह के भतीजे की बारात गई है ना। अच्छा, तो उनके यहाँ रतजगा है, गांव की सारी लड़कियाँ जाएंगी। हम तो तुम्हें ये कहने आए कि पूजा को भी रतजगे में भेज देना। हाँ। मैं नहीं भेजने वाली पूजा को वहाँ पे। अरे, वो बिमला का बेटा फिर उसके पीछे रघुवीर के घर तक पहुँच गया था। उसका नाम लिया ना तो मेरे तन बदन में आग लगती है। अरे अरे, तू अपने आप को ठंडा रख चाची। अरे सूरज की ये मजाल जो रघुवीर सिंह के घर तक चला है। हाँ चाची, वहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ ही आएंगी। फिर भी किसी तरह वो पूतना का कपूत वहाँ अटपका था। इसका भी इलाज है। हाँ, चौकीदारी करने के लिए तुम भी चली जाना ना पूजा बिटिया के साथ, बल्कि हाथ में डंडा और मुसल भी ले जाना। हाँ? ताकि जैसे ही सूरज दिखे कि तुम्हारा डंडा और उसका सर। क्यों बसंती? हाँ? हाँ? हाँ, 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 चाची, हाँ। ये क्या, हाँ हाँ, इतनी बार क्यों? हाँ? तो फिर पूजा तैयार है ना? हाँ, बहुत देर कर दी तुमने। नमस्ते चाची, हम लोग अंदर जाएं? हाँ हाँ, राम राम चाची। अरे आ गई तुम। लेकिन तुम यहाँ बैठे बहरा क्यों दे रही हो? क्यों? अरे चाची, हम सब लड़कियाँ ही तो हैं यहाँ। तुम भी ऊपर आओ, साथ में नाचेंगे गाएंगे। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तुम लोग जाओ नाचो गाओ, मेरा काम सिर्फ पहरा देना है। चलो बाबा, जाओ। चाची, चाची। राम राम चाची। अरे आ गई तू बसंती। आ गई चाची। हा? निकल जाओ। जा, तेरा डर थोड़े ही है मुझे। मगर चाची, हा? तुमने मेरी तलाशी ली ही नहीं। क्यों? देखो तो मेरे पल्लू में क्या है। क्या है? अरे खोल के तो देखो, कहीं सूरज तो नहीं? ये ले जाके सूरज को दे दे और उससे कहना कि चाची से जरा संभल कर आए। हाँ, जा। अरे तू उल्टे पर कहाँ जा रही है, और ये क्या है? अरे चाची, ये हकीम ताराचंद की अचकन और साफा है। अच्छा। मैं अभी भेस बदल कर आ जा, जल्दी आ। इन लड़कियों के पाँव तो जमीन पर टिकते ही नहीं है, न जाने क्या क्या सॉन्ग रचाती रहती है। चाची, अरे कैसी लगती हूँ? हकीम ताराचंद नजर आती है? हाँ, बिल्कुल लग रही है तू। अरे ओ हकीम ताराचंद, जरा जाते जाते मेरी नफ्स तो देखो। देखो तो सही, ये ठीक चल रही है कि नहीं? तेज है जरा, धीमी करो चाची। कैसे धीमी कर दूं? वो सूरज है ना, मेरे सर पे चढ़ा बैठा है। बस उसे कुछ हो जाए, ये अपने आप धीमी हो जाएगी। वो भी हो जाएगा चाची। हकीम ताराचंद के पास हर मर्ज की दवा है। उसे एक गोली दे देगी। सच? हाँ, चलती हूँ। मेरी आंखों में धूल झोंक कर अपने खानदान का नाम उछाल रही थी। अरे गुड्डू, खोल दो ना ताला। अरे ये जरूरी नहीं कि आंखों देखी बात हमेशा सच हो, तुम्हें धोखा भी तो हो सकता है। धोखा? और मुझे? उस सूरज को हकीम ताराचंद बनाकर कोठे पे बुला रही थी। हा? उसे अपनी नब्ज दिखा रही थी। नब्ज? बेशरम। मैं? तुम नहीं, वो। पर माँ, तू भी तो उसे नब्ज दिखा रही थी। क्या कहा, ये भी उसे नब्ज दिखा रही थी? हाँ बाबूजी, जब ये मेरी माँ होके धोखा खा सकती तो फिर मैं क्या करती? सही है, ये क्या करती? अरे ये सब तुम लोगों की चाल थी। तुम लोगों ने उसे अचकन टोपी दाढ़ी लगवा कर हकीम ताराचंद बनाया और उसे कोठे पे बुलाया। मुझे सब मालूम है। पर माँ, मुझे क्या मालूम सूरज वहाँ क्यों आया था? मैंने तो नहीं बुलाया था, वो बेला से मिलने आया था। चाहो तो बसंती से पूछ लेना। छिपकली सी छोरी, माँ की आंखों में धूल झोंकती है। अपने पेट से पैदा किया है तुझे और तेरे पेट के हर मरोड़ को पहचानती हूँ मैं। बेला से मिलने आया था, बसंती से पूछो। कुछ नहीं पूछना है मुझे और कुछ नहीं सुनना, पड़ी रहे अंदर। नहीं
मैं अंदर रहूंगी माँ तो तेरे पाँव कैसे दबाऊंगी? तू बाहर आएगी ना तो मेरी गर्दन दबाएगी, तू अंदर ही रहे। तेरे जैसी जन्म जली बेटी भगवान दुश्मन को भी ना दे। देखो तुम पूजा बिटिया को जितनी सजा देना चाहती हो दे लो, लेकिन इस तरह उसे कोसो मत। अरे गुड्डो ये वही बेटी है जिसे तुम आंखों की पुतली और कलेजे की ठंडक कहा करती थी। माँ माँ यह बहुत गर्मी है माँ। बर्फ की सिल्ली भिजवा देती हूँ, ठहर जा। मेरे बिना खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा तुझे। भरपेट खाऊंगी। अरे बेटी को ताला मारकर तुझे रात भर नींद नहीं आएगी। खर्राटे मार के सोऊंगी। बहुत जुन कर रही हूँ माँ, भूल गई मैं तुम्हारी इकलौती बेटी हूँ। मैं भी तुम्हारी इकलौती माँ हूँ। यह मच्छर छिपका लिया बहुत है माँ। बाहर और ज्यादा है। माँ मैं जानती हूँ तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तुम्हारा जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर आराम से ताला खोलना। हाँ बेटी एक घंटे में खोल देगी ना। एक महीना नहीं खुलने वाला ताला। तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु, तूने तो चमत्कार कर दिया। उस कुलक्षिणी की माँ ने उसे ताले में बंद कर दिया। अब ऐसा कुछ कर प्रभु कि ना जिंदगी भर वो ताला खुले ना वो मेरे बेटे से मिले। अगर ऐसा हो गया ना प्रभु तो मैं तेरे द्वारे घी के दिए जलाऊंगी, जिंदगी भर तेरी धुनी रमाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबूजी देखिए ना बाबूजी, ये माँ ने रोज रोज क्या लगा रखा है। सुबह ताले में बंद कर देती और शाम को खोलती है, मुझे बाहर भी जाने नहीं देती। ये सब कुछ क्या हो रहा है? धीरे बोल बेटी धीरे, वो बाहर ही बैठी हुई है। तो फिर कुछ कीजिए ना बाबूजी। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हो रहा है? पेट में कुछ उल्टा हो गया। इसकी जो अरे लेट जाओ, दिल दिल जल रहा है, हड़बड़ मचा रहा है। क्या क्या बीमारियां होती है आपको, लेट जाओ बिल्कुल हिलना नहीं। गुड्डो तुम बाप बेटी दोनों एक दिन जान ले लोगे मेरी, तुम लेट जाओ बिल्कुल हिलना नहीं, मैं अभी आती हूँ। गुड्डो जल्दी जल्दी डॉक्टर जल्दी कीजिए बाबूजी। ओह बाबूजी आप कितने अच्छे हो। अच्छा बाबूजी अरे अब फिर अच्छे हो गए क्यों? मुझे फिर ठीक देखकर तुम्हें फिर तकलीफ हुई? अरे ये ताला किसने खोला है और पूजा कहाँ है? अपनी सहेलियों से मिलने गई। तुम पूजा को छोड़ो या मेरे पास बैठो, आज मैं तुमसे कुछ गंभीर बात कहना चाहता हूँ। अब और क्या गंभीर बात करना चाहते हैं? बेटी को तो भगा दिया, लौट कर आने दो उसे, डंडा लेकर बैठती हूँ। आज उसके पाँव नहीं तोड़े तो मैं भी उसकी माँ नहीं। आखिर इतना जुल्म क्यों गुड्डो? जब बेटी अपनी है तो उसकी पसंद अपनी क्यों नहीं? मुझे तो सूरज में कोई अवगुण नजर नहीं आता, वो पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान से, नेक है, शरीफ है, आखिर क्या खोट है उसमें? खोट इतना ही है कि वो उस बिमला का बेटा है।